मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। फ्रेंड्स, वानी का लंच लेकर आई थी मैं। मैंने सोचा अपना व्लॉग जस्ट अभी से स्टार्ट कर लेती हूँ। वानी अपना लंच, वानी अपना लंच अपने बैग में। वानी यहाँ पर रेडी होकर बैठी है। पार्थ भी, पार्थ को मैंने अभी कंबल में बिठाया है, वरना बाहर ही खड़ा था भी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रखी है और दूध वगैरह बच्चों ने पी लिया है। वानी के बना दिए मैंने, मैंने बना दिए बस पराठे बना दिए, बथुए के पराठे और दाल है बना दिए हैं मैंने, वानी के पराठे। और कोहरा बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, कोहरा तो बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठे बथुए के, ये देखिए बथुए के पराठे बना रही हूँ मैं यहाँ पर। बनाते बनाते मैं वानी का टिफ़िन देने गई थी, क्योंकि वानी का टिफ़िन फिर मैं अक्सर भूल जाती हूँ। इनका तो रख देती हूँ, वानी का यहीं पर रह जाता है, पैक तो कर देती हूँ लेकिन उसको देना भूल जाती हूँ। अभी यहाँ से मैं आपसे भी नहीं, पराठे बनाते हुए सामने रखती हूँ मोबाइल। नहाने धोना तो मेरा सब हो गया है, अभी मैंने अपने लड्डू को स्नान नहीं कराया है, क्योंकि आज मुझे वानी को नहलाना था। वानी को मैं डेली नहीं नहलाती हूँ, एक दिन नहला देती हूँ, एक दिन छुट्टी कर देती हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चों को सर्दी लग जाती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है संभालनी, इसलिए एक दिन नहला देती हूँ, एक दिन नहीं नहलाती हूँ। और आइए आप सब भी पराठे खाइए, बथुए के पराठे सर्दियों में बड़े ही टेस्टी लगते हैं, और मुझे तो ऐसे ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कच्चे बथुए वाले पराठे। उबाल के तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ आलू के साथ उबाल के, इनको भी आलू के साथ उबाल के पसंद नहीं है और मुझे भी, हम हमेशा ऐसे कच्चे के बथुए के पराठे ही पसंद करते हैं। देखिए ऐसे वाले, ये वाले बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। चाय मैंने बनाने रख दी है, चाय के साथ ही खाएंगे पराठे। सब्जी भी है वैसे तो, लेकिन फिर भी चाय ले लेते हैं थोड़ी सी, सुबह के टाइम सर्दी है ना। मैंने अभी तक चाय वगैरह कुछ नहीं पी है, लड्डू का स्नान करा के तब मैं लड्डू को चाय दूंगी और अपने लिए भी चाय बनाऊंगी। और आप सब सर्दी से अपना अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। मैंने आप सबको भी कोहरा दिखाया अपना, बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रहा है हमारे यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर कैसा मौसम है प्लीज़ सब कमेंट्स करके बताना। अभी मैं बना लेती हूँ खाना, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। बना दिया है मैंने इनका खाना, दाल है, पराठे हैं और चाय है इनको, क्योंकि खाएंगे भी और लंच पैक कर दूँगी इतना मैं जब तक ये खाते हैं। देखिए अभी धूप निकल गई है और पार्क देखने लगाए यहाँ पर टीवी। हेलो पार्क, पार्क हेलो, पार्क टीवी देखने, धूप निकल गई है, कोहरा सारा छट गया है, धूप निकल गई है। और मैं अपने लिए यहाँ पर कर रही हूँ खिचड़ी गरम, क्योंकि मुझे, मैंने सुबह चाय पी ली थी और अभी मुझे लगी है भूख। अपने लिए खिचड़ी गरम कर रही हूँ मैं, रात की खिचड़ी रखी थी, धूप में बैठ के मैं खाऊंगी, फिर अपना काम करूंगी। अभी बर्तन वगैरह सब ऐसे ही रखे हुए हैं मेरे, साफ़ नहीं किए हैं मैंने, रोटी बनाई थी यहाँ भी ऐसे ही है। अभी पहले खिचड़ी खाती हूँ, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, उसके बाद कुछ काम करते हैं। स्कूल से आ गई, अभी मैंने खाना दे दिया है वानी को। वानी ने आज ड्रेस चेंज नहीं की है, क्योंकि पहले लगी है इसको भूख। और परसों है सेंटा, वानी को कल सेंटा बन के जाना है, जिसके लिए ड्रेस देख रही हूँ अभी। मुझे, मैं इसके लिए ड्रेस देख रही हूँ, रेड। इसकी मैम ने क्या बोला है, मैम ने रेड रेड जैकेट पहन के आनी है। रेड तो नहीं है जैकेट, पिंक है, पिंक पहन लेना सर, पिंक पहन लेना, पिंक शूज, पिंक शूज, पिंक जैकेट और ब्लू जींस, सही है। वानी को कल सेंटा बन के जाना है, स्कूल में प्रोग्राम वगैरह कुछ होता होगा। और अभी लग रही है मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्दी, ऊपर चलते हैं थोड़ी देर के लिए, आके ड्रेस देखेंगे फिर, है ना वानी, सही है। वानी पहले छत पे चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अभी हम आ गए थोड़ी देर के लिए धूप में, मूंगफली खा रहे हैं अभी हम बैठे हुए यहाँ पे, मूंगफली रखी हुई है। और मैं भी मूंगफली खा रहा हूं, और वानी भी मूंगफली खा रही है, और कान्हा जी भी, और मैं लड्डू भी मूंगफली खा रहे हैं धूप में बैठ के, लड्डू भी हमारे पास ही बैठे हैं। मटकी मैंने ये वॉश करके धूप में रख दिए सूखने के लिए। मैंने इस मटकी की जो वीडियो बनाई थी क्रंच वीडियो, तब मैंने आप सबको बताया था कि ये मुझे टेस्टी नहीं लग रही है, इसका टेस्ट चेंज हो गया था रखे रखे। इसको मैंने वॉश किया है और धूप में रख दिए। अभी देखती हूँ इसको क्रंच करके थोड़ी देर बाद, सूखने के बाद, सूखने के बाद
खुशबू तो बहुत हर्दी आ रही है, सूखने के बाद देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा लगता है। अभी हो गई है शाम, अपनी लाइव करने के बाद मैं बैठी हूँ क्योंकि अभी मुझे ऑयल लगाना है। बाहर तो कुंडी खोल दी बेटे, गेट तो खुल रहे झूठ बोल रहा, कुंडी नहीं लगा रखी है। और इन्होंने अपना सामान फैला के रखा हुआ है यहाँ, मैं अपने बालों में डाल रही थी ऑयल। हेलो वानी, वानी ने यहाँ पर पहन ली रेड ड्रेस क्योंकि वानी के स्कूल में होने वाले हैं सेंटा प्रोग्राम। कैसी लग रही है वानी की ड्रेस? अभी सुबह हो गई है, वानी का स्कूल जाने का टाइम हो गया है, आज वानी गाड़ी में जाएगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो। मैं अभी नाश्ता करती हूँ यहाँ पर। आज मैंने नमक के जवे बनाए हैं और चाय है। वानी को भी मैंने जवे ही बना के दिए थे सुबह, आज वानी चली गई है। वानी ने रेड ड्रेस पहनी है आज सेंटा क्लोज की वजह से, उनके स्कूल में प्रोग्राम है आज। और मैंने मशीन लगाई हुई है, आज मेरे कपड़े धुल रहे हैं, इतने सारे कपड़े अभी बचे हुए हैं। और पार्थ यहाँ पर खेल रहा है। पार्थ आप क्या कर रहे हो? घर बना रहे हो? किसके लिए? किसके लिए? आराम से बनाओ, सुत्ते गले। पार्क का घर तो उतरा है, लड्डू बैठे हैं धूप में, लड्डू ने नाश्ता कर लिया है। राधे राधे कान्हा जी। और अभी मैं चलती हूँ अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पे। मेरी फ्रेंड पापा मामा मशीन लगा रही हैं और यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ और ये मेरे सामान है और ये कान्हा जी। सो फ्रेंड्स, देखिए नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फिर से लग गई हूँ अपने कपड़ों में, यहाँ पे देखिए। और सर्दियों में कपड़े धोने का काम मुझे बड़ा ही मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। और एक तो टंकी में बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी निकलता है। नानी याद आ जाती है सुबह के टाइम सर्दियों में कपड़े धोने। आपको भी पसंद आए तो चलो और यहाँ पर मम्मा इसमें से कपड़े धो रही हैं मशीन में डाल के। और यहाँ पर अभी टीवी नहीं चल रहा है क्योंकि टीवी का चार्ज खत्म हो चुका है। देखिए मैं हूँ फ्रेंड्स, देखिए आपको मैं मुंह दिख रहा होगा, देखिए मेरा अंगूठा, देखिए ये मैं हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। अभी मेरे साथ हो गया है पंगा, मेरे सारे कपड़े धुले धुलाए बेकार हो गए, मेरी रस्सी टूट गई। पार्थ पता नहीं अब क्या करें, इसका टूट गई है, पता नहीं कैसे बंध रही थी, डैडी ने बांध दी थी तेरे। अब क्या करना चाहिए हमें रस्सी का? ओ माय गॉड, आज मेरे कपड़े कैसे सूखेंगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ आज मैं। सारे कपड़े मेरे धुले धुलाए, इतनी मेहनत से धोए थे मैंने सुबह से। रस्सी बांधने की कोशिश कर रही है।
और मम्मा पे और चिमटी हमने उतार ली है और कपड़े यहाँ रखे हैं। देखे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए अभी हो गई है रात और दोपहर मेरी मेरा कपड़ों वाला तार बार बार रस्सी टूट टूट के जा रही थी। मुझे बहुत टाइम लग गया था उसमें और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। वानी आ गई थी स्कूल से, वानी स्कूल से आ गई थी। उसके बाद मैंने पार दिए, क्या बदतमीजी है, रात में लाइट चेंज कर दिए। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, उसके बाद मैं कपड़े लेके आई छत से सारी, ये देखो सारे कपड़े यहाँ पर धुले हुए रखे हैं। और अभी भी मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी, चाय वगैरह हमने पी ली। उसके बाद मैंने अपनी की थी लाइव थोड़ी देर के लिए। ये हमारी लाइट चेंज होती है जितनी बार स्विच, चलो बार एक बार और स्विच दबाना, जितनी बार स्विच को दबाएंगे उतनी बार नई लाइट जलेगी। एक बार और दबाना पार्ट स्विच को, करो करो जल्दी, पार्ट दिखाएगा अब सेकंड बार ऐसी लाइट। फिर एक बार और पार्ट, एक बार और करो, अरे सेकंड वाली, ये वाली, हाँ ये देखो हर बार नई लाइट जलती है, हमारा ये बल्ब ऐसा है। सो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सबको कुछ पसंद आता हो, मेरी बकबक पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों ने शोर मचा रखा है, मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हूँ आज सुबह से। एक तो मेरी उसने रस्सी नहीं जान निकाल दी थी, पूरी परेशान कर दिया था उसने, शोर कितना मचाया हुआ है मैंने खुद ने भी और बच्चों ने भी मिलके। सो डन, बाय बाय, टेक केयर।